हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्जी और उसी की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ कि मैंने आज कच्चे केले की सब्जी में क्या क्या यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने ये 6 केले लिए हैं, 2 प्याज हैं, 3 टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 करी पत्ते की डंडी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं केले को छील लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने सारे केले छील लिए हैं। अब चलिए ये सब्जी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल पीस में मोटे मोटे, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, केले को कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे लंबे पीस में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केला काट के तैयार कर लिया है। तो अब मैं टमाटर काट लूँगी। टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक पीस में कट करना है। तो ये मेरा टमाटर भी काट के तैयार हो गया है। अब प्याज को काट लेते हैं। इसी तरीके से प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक पीस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज भी मेरी कट गई है। तो अब लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 कली लहसुन की छील ली है अच्छे से, और अब यहाँ पर डाल दिए मैंने इसे कूटने के लिए। और ये ले लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने काट लिया है छीलने के बाद। और अब इसे हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, दरदरा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो ये हमारे केले हैं। अब केलों में मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डाल दिया मैंने नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इन केलों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें चढ़ा दूंगी थोड़ा सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने सरसों का तेल, थोड़ा सा डाला है क्योंकि बाद में हमें इन्हें फ्राई भी करना है। तेल जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले अपने केले डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़े थोड़े करके भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ डालकर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए इन्हें अच्छे से पका लेना है। तो अब ये देखिए, हमारे केले पककर तैयार हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब सब्जी को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपना करी पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। इसे अच्छे से चटकने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपनी कटी हुई प्याज। 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा 2 से 3 मिनट तक ही चलाना है बस। और उसके बाद इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है टमाटर और प्याज के हिसाब से, क्योंकि केलों में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी डाल दी मैंने हल्दी। हल्दी हमने पहले नहीं डाली थी तो हल्दी सब्जी के अकॉर्डिंग डाली। ये थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से चलाते हुए हल्दी को भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम अपना टमाटर ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, हल्दी हमारी अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। अब चलाते हुए टमाटर को अच्छे से तब तक भून लेंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से पक ना जाए, मैश ना हो जाए। और जब ये मैश होकर अच्छे से चिकनाई छोड़ देगा तब उसमें हम अपने केले ऐड कर देंगे।
अब ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है, मैश भी हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम अपनी कसूरी मेथी। ये देखिए ये मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी से फ्लेवर सब्जी का बहुत ही अच्छा आएगा। अब अच्छे से मिक्स कर दी है, अब डाल देंगे इसमें हम अपने केले। देखिए यहाँ पर मैंने सारे केले सब्जी में ऐड कर दिए हैं। अब इसमें डाल दिया मैंने देखिए थोड़ा सा इमली का पानी। आप चाहें तो अगर इमली का पानी नहीं है तो थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली के पानी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और सब्जी को 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से केले के अंदर तक पहुंच जाए। देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और जब इस तरीके से कच्चे केले की सब्जी आप खाएंगे बनाकर तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अभी मेरी गर्मा गर्म सब्जी तैयार है, तो अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। आप सभी को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।